वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं कुछ शेयर्स के बारे में जिनके ऊपर मैं पहले भी कई बार वीडियो बना चुका हूं। आज के दिन सिर्फ लेवल के ऊपर बात करेंगे कि उनका अगला लेवल क्या होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं, इस शेयर का नाम है नुरेका लिमिटेड। इस शेयर के ऊपर जो मेरी लास्ट वीडियो थी मैं आपको दिखा देता हूँ, 7 अक्टूबर को मैंने बनाई थी। और अब इसके लेवल के ऊपर बात करते हैं। जैसा कि आपके सामने जो उसके आज की डे की क्लोजिंग है 180.17 है, यानी करीब 1870 रुपये पे इसकी डे की क्लोजिंग हुई है। और इसका जो हाई है 1.16% इसने डे हाई पे अपनी क्लोजिंग दी है। अब बात करते हैं इसके लेवल के ऊपर। जैसा कि मैंने यहाँ पर ओपन किया है और यहाँ पर मैं लेवल ओपन किया है और लास्ट वीडियो थी हमारी 7 अक्टूबर को, यहाँ पर आपके सामने है। तो 7 अक्टूबर को इसका क्या लेवल था, उस समय इसका प्राइस था करीब 1988 रुपये। और मैंने उस समय कहा था कि आप अगर इसमें ट्रेड करना चाहते हो तो 1900 रुपये के SL के साथ ट्रेड करना है। अगर इसने 1900 रुपये को ब्रेक करा तब इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ सकती है। और आने वाले देखो उसके बाद एक अच्छी खासा मूव भी आया था, यानी 7 तारीख को जो प्राइस था उसके अगले दिन एक अच्छा खासा मूव आया था। क्यों, मैंने कहा था अगर 2000 के ऊपर सस्टेन होगा तो अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिल सकता है। पर उसके अगले दिन ही आप देखो इसमें डाउनफॉल आया और जैसे ही इसने 1900 को ब्रेक किया आप देखोगे इसमें एक अच्छी खासी गिरावट होगी। और अब यहाँ से जैसा कि इसका जो पैटर्न है आज का, पूरे चांस है यहाँ से रिकवरी करेगा। और इस कंडीशन में जो इसका SL आ रहा है अभी 1842 रुपये का SL आ रहा है, तो अगर कोई किसी ने शेयर रखा हुआ है तो वो इस SL के साथ इसे ट्रेड कर सकता है और पूरे चांस है यहाँ से रिकवरी करे ये। और जैसा कि इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ लिस्ट हुए तो प्रॉपर हम इंडिकेटर भी अप्लाई नहीं कर सकते। जितना हमारे पास इसका जैसे फरवरी में लिस्टिंग हुई थी तो जितना हमारे पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग हमने ये 50 DMA 200 DMA का जो इसमें एक एवरेज वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम इसे एनालाइज कर रहे हैं। तो पूरे चांस है कि यहाँ से रिकवरी करे ये। और मेरी लास्ट वीडियो प्ले करके देख लेना किसी को डाउट हो कि मैंने क्या बोला था उसमें। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट शेयर के बारे में। अब बात करते हैं अपने अगले शेयर के बारे में जिसका नाम है हेरानबा इंडस्ट्री लिमिटेड। इसके ऊपर जो मेरी लास्ट वीडियो थी मैं आपको दिखा देता हूँ, 7 अक्टूबर को मैंने बनाई थी। तो अब बात करते हैं इसके लेवल के ऊपर और मैंने लास्ट वीडियो में क्या बोला था। आप चाहो तो मेरी 7 अक्टूबर की वीडियो प्ले कर देखना। और उस समय मैंने कहा था कि इसका प्राइस 813 रुपये था और मैंने उस समय कहा था कि कोई भी न्यू बायर इसे तभी बाय करेगा जब 830 रुपये के ऊपर सस्टेन होएगा। और जो हमारा SL मैंने बोला था 800 रुपये का SL बोला था कि अगर इसने 800 रुपये को ब्रेक करा तो इसमें एक अच्छी खासी गिरावट होगी। जैसा कि आपके सामने है 800 रुपये को ब्रेक करा और आज की डेट में ये 782 रुपये है। और अभी भी देखो कोई बाय करना चाहता है इसे तो मैं सिंपल कहूँगा कि थोड़ी देर वेट करें, जब तक ये 790 के ऊपर सस्टेन नहीं होगा तब तक कोई भी न्यू बायर से बाइंग मत करना अगर कोई इसमें ट्रेड करना चाहता है। बाकी लॉन्ग टर्म अगर आप रखना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर ठीक नहीं लग रहा, फिर भी आप अपने एंड पे स्टडी करना। मैं ये सारे लेवल लिख भी देता हूँ। जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने बोला था 800 रुपये के SL के साथ आपने ट्रेड करना है जब तक 830 रुपये के ऊपर सस्टेन ना हो। तो आज की डेट में जो इसका करंट प्राइस है करीब 782 रुपये है क्योंकि 800 रुपये को ब्रेक करा इसने अच्छी खासी गिरावट आई। तो अभी की डेट में ये जब तक ये 800 रुपये के 790 रुपये के ऊपर सस्टेन ना हो तब तक किसी ने इसमें बाय मत करना। और जो अभी के लिए जो SL है जो हमारा यहाँ पर 200 DMA आ रहा है करीब, ये 765 रुपये के आसपास ये DMA का सपोर्ट आ रहा है। अगर इसने इसे ब्रेक करा तो उस कंडीशन में बहुत बड़ी गिरावट इसमें आ सकती है। तो अगर कोई ट्रेड करना चाहता है अभी के लिए या किसी ने शेयर बाय करके तो ये 765 रुपये का अभी स्ट्रॉन्ग SL है। अगर इसे ब्रेक करता है तब आने वाले टाइम में आपको और ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं अपने अगले शेयर की। इस शेयर का नाम है बैल। अब इसका जो करंट प्राइस है करीब 74 रुपये इसका प्राइस है, 74 रुपीज़। और आज की डेट में इसकी जो डे की क्लोजिंग हुई है वो माइनस 2.82% इसने डे लो पे अपनी क्लोजिंग दी है।
अब एक बार इसकी लास्ट वीडियो देखते हैं। लास्ट वीडियो मैंने 10 अक्टूबर को बनाई थी, तो 10 अक्टूबर का लेवल देखते हैं। जैसा कि आपके सामने है, 10 अक्टूबर को संडे था, तो हम 8 अक्टूबर का जो इसका प्राइस था करीब 65 रुपीज़ 45 पैसे था। और उससे मैंने कहा था अगर कोई इसे अभी ट्रेड करना चाहता है 60 रुपये के एसएल के साथ ट्रेड करो कि 60 रुपये के आसपास 50 DMA का सपोर्ट है। और मैंने ये बात बोली थी अगर ये 66 रुपये के यानी 66 रुपीज़ के अपसाइड सस्टेन होता है तो आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा खासा पीक आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि उसके अगले दिन 11 तारीख उसकी डे की क्लोजिंग 66 रुपये 75 पैसे हुई, उसके बाद आपको देखो अच्छा खासा पीक देखने को मिला और ये पीक गया 76 रुपीज़ का। तो वहाँ पर देखो लास्ट टाइम भी पीक करीब इसके आसपास ही था, 76 या 77 रुपीज़ के आसपास इसका पीक था 11 जून को। तो अभी के लिए ये अगर किसी ने भी शेयर बाय कर रखा है तो या कोई करना चाहता है, अगर किसी ने बाय कर रखा है तो उस कंडीशन में उसे जो SL फॉलो करना चाहिए उसे 71 रुपीज़ का SL फॉलो करना चाहिए अगर वो इसमें ट्रेड करना चाहता है। जो हमारे न्यू बायर है वो तब तक बाय मत करना जब तक ये 80 रुपये के ऊपर सस्टेन ना हो। जब ये 80 रुपये के ऊपर सस्टेन होएगा उस कंडीशन में 76 रुपीज़ का SL रखना है। मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर एक बार, जो हमारे न्यू बायर है वो तब तक बाय मत करना जब तक 80 रुपीज़ के ऊपर सस्टेन ना हो, और अगर 80 रुपीज़ के ऊपर सस्टेन होएगा उस कंडीशन में 76 रुपीज़ का SL रखना है। और जो हमारे अभी करंट बायर है जिन्होंने बाय कर रखा है वो 71 रुपीज़ के SL के साथ इसे ट्रेड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए शेयर के। किसी भी शेयर में किसी भी तरह की इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज